क्या खूब यादगार सफर था ये, स्पेशली क्योंकि 4 साल बाद था। नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल सीरीज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप दीमापुर आते हैं तो आप एक कंफर्टेबल स्टे के लिए कहां रुक सकते हैं और इस स्टे लोकेशन पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। डिब्रूगढ़ से एक बहुत पीसफुल ट्रेन जर्नी करके हम पहुंचे दीमापुर। दीमापुर सिटी नागालैंड की सबसे बड़ी सिटी है और यहाँ का रेलवे स्टेशन नागालैंड को बाकी कंट्री से कनेक्ट करता है। डिब्रूगढ़ के मुकाबले ये स्टेशन काफी बड़ा था और क्राउडेड भी। दीमापुर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और स्टेशन के बाहर हमारी कैब हमारा वेट कर रही थी। मैं सोच रहा था कि जल्दी से होटल में चेक इन करके बाहर घूमने निकलूंगा, पर स्टेशन के बाहर लगे लंबे ट्रैफिक जाम ने मेरे प्लान्स पे पानी फेर दिया। काफी देर तक हम स्लोली स्लोली आगे बढ़ते रहे और जब तक हम अपने रिजॉर्ट पे पहुंचते अंधेरा हो चुका था और रिजॉर्ट से बाहर जाने का प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा। पर मुझे इस बात का कुछ ज्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि रिजॉर्ट काफी अच्छा था। मैं बात कर रहा हूं नाइथू रिजॉर्ट की। दीमापुर रेलवे स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पे बना यह रिजॉर्ट काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। रिसेप्शन एरिया देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहां आप काफी अच्छा स्टे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रूम हमारी एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल खरा उतरा। क्लीन, स्पेशियस और प्रॉपर लाइटिंग और सारी बेसिक चीजें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। ये है रूम, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये कुछ ओके ग्रीन पीस, मुझे नहीं पता ये चार्जेबल है कि फ्री है। रूम सर्विस मेन्यू, टीवी, ये नहीं, ये मेरे साथ आया है, पलंग, एक चेयर, अलमारी, लॉकर, ये जूते चप्पल रखने के लिए, सामान रखने के लिए, एक खूबसूरत वॉशरूम, बॉडी लोशन, टॉयलेट सोप, हेयर कंडीशनर, बॉडी क्लींजर, हेयर क्लींजर, ये नहाने का साबुन होगा, ये टूथ ब्रश शायद, हाँ ये तो सही लग रहा है, और इसमें शायद शैम्पू वैम्पू या ऑयल, हाँ शैम्पू ऑयल वगैरह। चल बस रुलाएगा क्या। एक स्पेशियस बालकनी भी थी पर रात होने की वजह से कोई खास व्यू नहीं दिख रहा था। यहाँ इंडोर रेस्टोरेंट के अलावा एक पूल साइड बार भी था और क्योंकि पूल साइड लार्ज स्क्रीन पे फुटबॉल मैच चल रहा था तो हमने बचा हुआ दिन वहीं बिताने का प्लान बना लिया। दीमापुर का हमारा ये छोटा सा स्टॉप ओवर स्टे काफी अच्छा रहा और अगली सुबह 5:30 बजे हम चल दिए उस जगह की तरफ जिसके लिए हम नागालैंड आए थे, और वो देखेंगे हम अगले वीडियो में।